हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा मेहंदी क्लास 14 है और इस क्लास में हम लास्ट क्लास में हमने जो पिकॉक ड्रॉ करना सीखा था उसका फिलअप कैसे करना है वो सीखेंगे। उसके लिए पहले मैं यहाँ पर एक पिकॉक ड्रॉ कर लेती हूँ। अभी मैं पेन से ये ड्रॉ करना सिखा रही हूँ, उसके बाद मैं कौन से आपको ड्रॉ करके बताऊँगी, क्योंकि पेन से इंस्ट्रक्शन देना ईजी होता है। तो अभी जो मैं पिकॉक ड्रॉ करने जा रही हूँ वो मैं अपस्टेयर्स वाला जो फेदर है वो वाला मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो मेरा जो पिकॉक है कुछ इस तरह से, इधर मैं मार्कर से ड्रॉ करूँगी, इधर मैं कौन से ड्रॉ करूँगी। तो ये हमारा जो पिकॉक है वो कुछ इस तरह से है। ये उसका हो गया बॉडी, ये उसका पंख, ये उसका फेस का एरिया। तो हमारा जो पिकॉक का अपवर्स फेदर है इसलिए ये मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ इस तरह से। इसको यहाँ से चेंज करना है। अब हमको इसका फेदर बनाना है। तो पहले तो हमको क्या करना है कि जहाँ से हमको फेदर बनाना है उसका इस तरह से एग्जिट हम एरिया बना लेंगे इस तरह से ऐसे। इस तरह से हमको इसका फिलअप करना है। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भी इसका फिलअप कर सकते हैं। इधर मैं प्रॉपर फेदर की डिज़ाइन ले रही हूँ। आप इधर गल्फ एलिमेंट में लोटस या फिर कोई और डिज़ाइन या और फिलर डिज़ाइन एज अ कर्व शेप वो भी ले सकते हैं। तो इसको हमको बनाना है ऐसे लाइन पार्ट में, स्ट्रेट लाइन बना के। इस तरह से पिकॉक का फेदर बनेगा और इसके साथ हमको यहाँ पर उसकी आई बनानी है जो हमको कुछ इस तरह से बड़ी बनानी है, और उसके बाद उसके आसपास का जो एरिया है वो हमें डार्क कर देना है। और उसके बाद हमको ये पार्ट जो है वो फिलअप करना है फ्रिल से। फिर हमको ये जो डार्क बॉडी है वो उसका पार्ट कौन से डार्क कर देना है, ताकि अंदर का जो फिलर है वो लाइट रहे और बॉर्डर डार्क रहे। और इसके अंदर हम ऐसे बड़े बड़े राउंड शेप में कर्व्स दे देंगे। और इधर हम उसके बनाएंगे बाकी का बॉडी पार्ट इस तरह से। और इधर हम इसका दे देंगे ऊपर का सर का एरिया, और उसके आसपास हम एक लाइट लाइन बना देंगे। और बाद में फिर हमको एक सा
स्पॉट बना देना है। इस तरह से हमको फिलअप करना है। अब यही हम इधर फिलअप करेंगे फ्रॉम द कोन, लेकिन हम एक और डिज़ाइन लेंगे पिकॉक की जो गर्ल्स एलिमेंट वाली होगी। तो हम कौन से जो पिकॉक ड्रॉ करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से होगा। पहले हम पिकॉक का एज यूजुअल बॉडी ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसका बाकी का बॉडी का पार्ट, फिर फेस, और उसके बाद हम बाकी का सारा एरिया कवर कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमको उसका फेदर देना है जो कि कुछ इस तरह से है। क्योंकि हम ये पिकॉक का जो फीलिंग है वो हम गर्ल्फ एलिमेंट से ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ लोटस और उसके साथ कुछ कव पार्ट्स। तो लोटस कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गया। से हम ये पूरा एरिया कवर कर लेंगे। इस तरह से हमको ये पार्ट जो बचा है वो हमको कर लेना है कवर, क्योंकि हाफ पार्ट में ही हम गर्ल्स एलिमेंट ले रहे हैं। अब बाकी का जो पार्ट है वो हमें ऐसे कर्व एलिमेंट से स्मॉल स्मॉल कर्व से कवर करना है। इस तरह से फिर उसको हमें फीदर का जो बाहर का पार्ट है उसको ऐसे डार्क बॉर्डर दे देनी है, और उसके ऊपर एक और लाइट लाइन लेके हमें उसके ऊपर एक फ्रिल्स बनानी है। अब हमको उसका आई का पोर्शन बनाना है, तो आई हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, बड़ी सी बना के उसके आजू आसपास का जो पार्ट है उसको हम ऐसे डार्क करेंगे, और उसके हाफ पोर्शन बॉडी पर हम कुछ इस तरह से डार्क बना देंगे, फिर उसको फ्रिल्स से हम भर देंगे। तो ये हमारे नीचे का बॉडी का पोर्शन हो गया, उसको भी हम ऐसे डार्क पाउडर देके कवर अप कर लेंगे ऐसे। अब बीच का जो पोर्शन है उसको हम फिलअप है बॉडी का वो हम कुछ इस तरह से फिलअप करेंगे।
तो ये हमारा पिकॉक रेडी है। हम इस तरह से पिकॉक ड्रॉ कर सकते हैं। होप आपको इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा होगा आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।